जय जय माता दी। मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस चैनल में आपको इतने सारे उपाय और प्रयोग बताए हैं, सब आजमाए हुए हैं और सभी के सभी प्रयोग प्रैक्टिकल है जिन्हें आप कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बता रहा हूँ, यह यंत्र का प्रयोग है और यह यंत्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली है, तेज है, इसे कहते हैं शाबर वशीकरण यंत्र। और जहाँ शाबर वशीकरण है अर्थात यह किसी भी तरह से किलित नहीं है, जैसे वैदिक मंत्र होते हैं किलित, जिन्हें 2.5 लाख 3 लाख कई लाख मंत्रों से उसे जागृत किया जाता है, यह जागृत है, यंत्र है यह। और इसे बनाते ही जिस व्यक्ति के ऊपर आप प्रभाव डालना चाहते हैं वह व्यक्ति पूर्ण रूप से आपके प्रभाव में आ जाएगा इस यंत्र की शक्ति से। तो इस यंत्र को आप जिसे अपना बात मनवाना चाहते हैं, जिसे आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते सुधार हो, चाहे आपकी सास हो, ससुर हो, पति हो, पत्नी हो, या फिर आपके घर के कोई सदस्य हो जिनसे आपका अनबन चल रहा हो, रिश्ते में खटास हो, उनके लिए यह प्रयोग कीजिए, तुरंत ही परिणाम आपको देगा। इस विधि को करने के लिए कुछ सामग्री है। इसे भोजपत्र लेना है आपको, लाल मोमबत्ती जिसे कैंडल कहते हैं, और कामया सिंदूर चाहिए। इस विधि को आपको अमावस्या के रात्रि में 12 बजे के आसपास करना है। मित्रों, जब इस विधि को करेंगे दक्षिण दिशा की ओर अर्थात साउथ डायरेक्शन की ओर आपका मुख रहेगा और काला रंग का आसन में बैठकर करना है। करना क्या है, सबसे पहले भोजपत्र में जो आपको यंत्र दिख रहा है इस यंत्र को स्थापित करना है, और उसके बाद स्थापित करने के बाद भोजपत्र में स्थापित आपको काम्या सिंदूर से करना है, बनाना है, और उसके बाद इस भोजपत्र के ऊपर मोमबत्ती जलाकर बैठ जानी है। जैसा दिख रहा है जहां पे आपको बस ऐसे ही बनाना है, जहां पे नाम है वहां पर स्त्री या पुरुष का नाम लिखना है, और इसे कैंडल को पूरा जलने देना है। जितना देर तक कैंडल जलेगा इसके ऊपर भोजपत्र के ऊपर, कैंडल को देखते हुए बस उस स्त्री या पुरुष के बारे में ही सोचने जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं या फिर जिसका वशीकरण कर रहे हैं, यह इससे जागृत हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से सो जाइए और सुबह इस भोजपत्र को सुबह सुबह अपने ताबीज बनाकर पहन लीजिए, या फिर पर्स में रख लीजिए, या फिर किसी भी तरह से बस अपने साथ रखिए। बाकी का चमत्कार आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। फिर भी इस विधि से संबंधित कोई उपाय, कोई समस्या हो, जो जानकारी चाहते हो, तो जो नंबर आपको डिस्प्ले में शो हो रहा है उसमें व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। जय जय माता दी। मित्रों,